हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा लता लिविंग नेचर से आज हम आप लोगों को दिखाएंगे जे पोटैटो कैसे उगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये ढेर सारा पोटैटो काट के हम रख दिया। ये देखिए, जब हम सब्जी बनाते हैं उस टाइम देखिए सब काट काट के रख दिया। जो इस टाइम इसका जो देखिए स्प्राउट आते हैं तो सब काट के रख दीजिए। तो ये 10-15 दिन ऐसे रख दीजिए तो ठीक रहेगा, एकदम छावा जगह में रख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब आज हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए, यहीं पर हम एक बोरा लिया। आपका आपके पास जो कोई पॉट है, गमला है, जो कुछ है, थोड़ा बड़ा जगह में ये लगाइए। और ये बोरा में लगाने से और फायदा होता है क्या, ये इसमें पानी को भी नहीं रुकेगा, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए यहीं पर पोटैटो बहुत अच्छा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहीं पर 3-4 ठो लगाएंगे और हमको मिल जाएगा 2-3 महीना बाद हमको पोटैटो मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहीं पर छोटा छोटा 5 को लगाया। तो देखिए, ये सब तो ऐसे थोड़ा सा मिट्टी खाली कर लीजिए, ऐसे करके देखिए लगाइए और थोड़ा ऐसे ऐसा करके ये लगा दीजिए। बस हो गया। और अभी ये मिट्टी धीरे धीरे दे देंगे। और अभी जो ये मिट्टी अभी थोड़ा मॉइस्चर है, अभी बारिश का टाइम है तो अभी उतना पानी देने का जरूरी नहीं है। पोटैटो में खूब बहुत कम पानी लगता है, तो ज़्यादा पानी दीजिएगा तो ये सड़ जाएगा। तो वैसे हो गया, ये 4-5 दिन के बाद ये पूरा निकल आएगा इसका प्लांट। तो फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पोटैटो हम 2 अक्टूबर लगाया और देखिए कितना सुंदर हुआ और बहुत अच्छा हुआ, हेल्दी भी हुआ। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा मिट्टी देंगे तो अच्छा होगा। उस टाइम हम कम मिट्टी दिया, तो अभी इसका थोड़ा मिट्टी डालेंगे। ऐसे ये मिट्टी किचन वेस्ट कंपोस्ट हम मिलाया। और आप लोग के पास जो है भर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर, जो फर्टिलाइजर है वो यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा मिट्टी देना चाहिए और पानी ज्यादा मत दीजिए। जब थोड़ा देखिएगा सेमी ड्राई हो गया, उस टाइम थोड़ा थोड़ा करके वाटरिंग कीजिए। ज्यादा पानी दीजिएगा तो ये सड़ जाएगा पोटैटो। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा करके हम थोड़ा मिट्टी दे दिया। बस, और इसका कुछ मेंटेनेंस जरूरत नहीं है। बीच बीच में लिक्विड, जो मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर, वही डालिए और 3-4 महीना में ये हो जाए, हार्वेस्ट हो जाएगा। 3 महीना में हार्वेस्ट हो जाता है लगभग। जब ये सूख जाएगा, इसका पत्ता पीला हो जाएगा, तब ये हार्वेस्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा करके आप लोग पोटैटो लगा सकते हैं।